रहा है। दलित कहने वाला, अछूत कहने वाला, नीच कहने वाला, अछूत कहने वाला, वो ये ब्राह्मण जाति है। अगर इस देश के अंदर मुसलमान को प्रताड़ित करने वाली जाति हाई कास्ट है, तो दलित समाज को भी प्रताड़ित करने वाली वही हाई कास्ट है। लेकिन हम इस बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। मालूम है क्यों नहीं करते? अभी हमारे बीच में हमारे भाई साहब आए थे, एक पढ़े लिखे मुसलमान। मैं एक बार जोरदार उनके लिए तालियां चाहूंगा कि जो अपने धर्म के पास सबसे बोलिए। मैं अपने दलित समाज से तो यह कहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आज से 70 साल पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए। जो स्कूल के दरवाजे बंद थे वो हमारे लिए खुले, उनको जाकर हमने शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होने के बाद आज अपने अपने पद पर बैठकर हम अपने ऊंचे समाज से गणना करते हैं जिस समाज से हम निकल कर आए हैं। हम आज उस समाज की तरफ उड़कर नहीं देखते। हम मुस्लिम भाइयों में जाते हैं, ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि अगर मुस्लिम भाइयों से कहा जाए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ तो कहते हैं कौन सी नौकरियां मिल रही हैं हमें। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर आप जाएंगे, 99% मुस्लिम भाई अपने फार्म किसी और से भरवाते हुए नजर आएंगे आपको। अगर मैं गलत हूं तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, सही हूं तो हाथ उठाकर बताएं। दूसरे से कहते हैं भैया हमारा फार्म भरियो, कहां से? अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो फार्म दूसरे से ना भरवाता। तो इसीलिए सही एजुकेशन से जोड़े। अब बात आती है घूमकर, बोलने के लिए वक्ता तो बहुत है, अपने अपने विचार रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये विचार रखना चाहता था कि जो चीज हमारे देश के अंदर देश की आजादी से लेकर आज तक नहीं हुई, वो आज इस देश के अंदर मैं देख रहा हूं कि डीएमओ परिषद के द्वारा दलित, ओबीसी और मुस्लिम इन तीनों को एक मुट्ठी बांधने का मौका मिल रहा है। इसकी देखरेख करने वाला मालूम है कौन है? वो है जो 70 सालों से आज तक कोई पार्लियामेंट के अंदर नकली दलित बनकर जो जाते हैं, आरक्षण की भीख मांगकर जो जाते हैं, आरक्षण की सीट पर लड़कर जो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, उन्हीं में एक शेर बब्बर शेर पैदा हुआ, डॉक्टर उदित राज। देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैं दलित हूं, मुझे गरीबों की चिंता है। वो डॉक्टर उदित राज जी के लिए बोलते हैं कि उदित राज देश में दलितों की बात छोड़, आरक्षण की बात छोड़, बहुत सारे और भी काम है वो कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर उदित राज जी ने बोल दिया कि नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, मैं इनके बीच में से आया हूं। साथियों, इस हॉल के अंदर जिला फ्लोरेंसर से भी लोग बैठे हैं, फ्लोरेंसर के जो सांसद है वो मेरे भाई हैं, मेरे कुलमा को दीदी है। मैंने आज तक कभी उनको संसद में बोलते नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर दिंद्रा जी को बोलते देखा, डॉक्टर दिंद्रा जी को फोन करके हम लोगों को इकट्ठा करते हुए देखा। आज तक बताइए, आपके संबंध और भी लोगों से होंगे, मंत्रियों से भी होंगे, सांसदों से होंगे, विधायकों से होंगे, और यहां तक कि मैं कह रहा हूं पार्षदों से भी होंगे। कितने लोगों ने आपको चाय पर बुलाया, कितने लोगों ने आपको खाने पर बुलाया है? इस आदमी के अंदर दर्द है, टीस है कि मुझे कुछ करना है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। लेकिन आज हमारे समाज पता नहीं क्यों सो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बार बार डॉक्टर उदित राज कहते हैं, अभी तो जगाया बंदे, अभी तो जगाया बंदे, तू फिर सो गया है, जग रे मुसाफिर तेरा समय हो गया है, समय हो गया। आज देश के अंदर इतनी तगड़ी लहर चल रही है कि जिस वक्त ये मुसलमान और दलित एक तरफ हो जाएगा ना, तो भाजपा की तो टाटा फिस हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, इतनी तगड़ी लहर चल रही है, रोजगार हमसे छीन लिए गए हैं, काम धंधे सब ठप पड़े हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। इस टाइम समय ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम समय में आपको मैं बोल रहा हूं,
और भारतीय संविधान ने आपको पूरा वो अधिकार दे रखा है कि जिस अधिकार के बदौलत आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखना भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सुनो मेरी बात को, गलत सुनो, थोड़ा चुप को सुनना। जहां मेरी आंखें देख रही है कि जो हमारे प्रतिनिधि हो, जो हम पर शासन कर रहा है, पहले सभी ध्यान से सुनना। मैं खड़ी जाति में हूं, कोई मालवी की जाति में है, कोई धर्म जाति में है, कोई काशी है, कोई मुसलमान है, कोई कोई है। मैं आपको बता दूं, हर मोहल्ले में जो लड़का मरता हुआ दिखाई देता है वो उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, जो बच्चा मरता हुआ दिखाई देता है वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, कहते हैं कि मैं तू यार करा रहा, तू उनके साथ में दौड़ी है, तू तो इनसे बिल्कुल अलग है, और वे उसको अपने कब्जे में लेकर पूरे के पूरे मोहल्ले को सफा करके अंदर बोर्ड ले जाते हैं। Thank you.